वो छात्रों और युवाओं को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जो भारत का ही चाहते हैं, भारत को टुकड़े करना चाहते हैं। आज जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उन्होंने देश हित में और देश को जिस मजबूती से आगे लाने का काम किया है, तो भारत के सारे लोग, हर दल के लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सशक्त होगा और इस बार 400 पार का नारा है, निश्चित रूप से 400 पार करेगा और फिर से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए गठबंधन सरकार देश में बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज 24। कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली है। आज ही विजय शंकर दुबे के पुत्र सत्यम दुबे भी आज बीजेपी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा, लेकिन पूर्व में भी कई प्रवक्ता और कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश सिंह है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। किस तरीके से टूट देखने को मिल रहा है आज भी? देखिए, हम तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस सब देश में डूबता हुआ जहाज है, जो उस जहाज की सवारी करेगा वो डूब जाएगा। जो भी जानकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं या देश की समझ रखते हैं, राज्य की समझ रखते हैं, राज्य के विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, वो अब कोई कांग्रेस में नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष सुप्रीमो कहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष तो हमने तय किया, हम तय करते हैं। कांग्रेस में राज्यसभा कौन जाएगा वो हम तय करते हैं, कांग्रेस में टिकट किसको मिलेगा वो हम तय करते हैं। तो जब सब कुछ वही तय करते हैं, तो जो पुराने कांग्रेसी है या जो कांग्रेस के विचार वाले लोग हैं वो कांग्रेस में क्यों रहेंगे भाई? वो सब कोई कांग्रेस में कौन था? कांग्रेस में सभी लोग राष्ट्रवादी विचार के थे, लेकिन अब राष्ट्रवादी विचार के नहीं है, सब परिवारवादी विचार वाले लोग भर गए हैं, सब भ्रष्टाचारवादी विचार वाले भर गए हैं। तो जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, जो परिवारवाद से इतर हैं, जो देश का विकास, राज्य का विकास चाहते हैं, राज्य की उन्नति चाहते हैं, वो सब के सब भाजपा में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वैसे लोग आए हैं, आप तो देख रहे हैं, विनोद शर्मा जी हैं, हर्षित नाथ तिवारी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, ये सब लोग, हर्षित नाथ तिवारी जी भी प्रवक्ता रहे हैं, विनोद शर्मा जी भी प्रवक्ता वहाँ रहे हैं, प्रदेश में महासचिव रहे हैं, तो ये सब लोग कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये सब लोग आ रहे हैं, इनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक बात और बता दें, इस चुनाव के वक्त में अगर जब कांग्रेस के तपे तपाए लोग आ रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिलने वाला है, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होने वाला है, ये बिहार भाजपा बहुत मजबूत होने वाली है। देखिए, आप सुन रहे थे राकेश सिंह को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। विनोद शर्मा सर, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई, आपने बीजेपी का दामन थामा। सर, किस तरीके से वहाँ सब कैसे महसूस हो रही थी क्या? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की ओर है, कोई विचारधारा नहीं है, और जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो कोई विजन नहीं उनके पास है। एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, एक टेप की तरह बजते हैं पूरे देश में, और आज वो पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर के पूरे देश का नाश करने के लिए चाहते हैं। आज देखिए, NSY का जो बनाया है उन्हें प्रभारी, वैसे व्यक्ति को जिस पर आरोप है कि भारत तेरे 100-100 टुकड़े होंगे, वैसे व्यक्ति को बनाया है, तो समझिए उनकी मानसिकता क्या है। वो छात्रों और युवाओं को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जो भारत का ही चाहते हैं, भारत को टुकड़े करना चाहते हैं। राहुल गांधी की सोच यहाँ जा रही है जी। और आज हम भाजपा ज्वाइन किए हैं, तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी सकून महसूस हो रहा है। पूरा देश और विश्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है। आज जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उन्होंने देश हित में और देश को जिस मजबूती से आगे लाने का काम किया है, तो भारत के सारे लोग, हर दल के लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं। और अधिकांश लोग कांग्रेस से आज भी दर्जनों लोग, बड़े बड़े नेता ज्वाइन किए हैं, और लगातार यह होते रहेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सशक्त होगा, और इस बार 400 पार का नारा है, निश्चित रूप से 400 पार करेगा और फिर से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए गठबंधन सरकार देश में बनेगी। आप सुन रहे थे विनोद शर्मा को, जो कि पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता थे और अब बीजेपी का दामन थामे। हर्षित नाथ तिवारी हैं हमारे साथ, ये भी कांग्रेस के पूर्व में प्रवक्ता रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में। सर, किस तरीके से आप लोगों भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे आप लोग? देखिए, बिहार की स्थिति ये है, केरोसिन तो अब मिलता नहीं है जी, तो लालटेन में कांग्रेस का खून डाला जा रहा है। अच्छा, केरोसिन की जगह कांग्रेस के खून पर लालटेन भुक भुक आ रहा है।
अब कब तक कांग्रेस के खून पर लालटेन भुक भुकाएगा? कांग्रेसियों के पास आखिर कितना खून बचा है कि लालटेन को भुक भुकाया जाए? जो कांग्रेस में बचे हैं सबका खून निचोड़ के डाल देना है लालटेन की टंकी में, तो कांग्रेस है कहाँ? वो तो एक जमींदार है लालू प्रसाद यादव, और उनकी रियासत में बसी रियाया है कांग्रेस। जमींदार साहब अपनी टांग फैला देते हैं और रियाया पैर दबाने बैठ जाते हैं। कांग्रेसी उनके चरणों में पैर के पैर वैर दबा रहे हैं लालू जी के। कांग्रेस का कोई सम्मान भाव बचा नहीं, तो क्यों रहते उस कांग्रेस में बताइए? इसलिए हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां कम से कम सबका सम्मान है, जहां राष्ट्र के एक एक नागरिक का सम्मान है और लोग सम्मान भाव के साथ जीते। आप सुन रहे थे जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता थे, अब बीजेपी का दामन थामा है, और राकेश सिंह को भी सुना। एक एक करके हमने आपको सभी प्रवक्ता का सुनाया, किस तरीके से उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम लोगों को इज्जत नहीं दी जा रही थी, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रहकर क्या फ़ायदा। अब केरोसिन का ज़माना नहीं रहा, लेकिन लालटेन में कांग्रेस का खून भरा जा रहा है, इस तरीके का इन्होंने बयान दिया। लेकिन ये सब तमाम नेता अपने अपने बयान देते हैं, जब कांग्रेस में रहते हैं तो कांग्रेस को लेकर बोलते हैं, जब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को लेकर बोलते हैं। सुर अलग हो जाते हैं, पार्टी चेंज होने के बाद लोगों की सुर अलग हो जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए अपने रेडियो न्यूज़ 24 पर मैं सदन जी पटना।